दोस्तों डांस दीवाने भारत का पॉपुलर डांसिंग रियलिटी शो है जो कलर्स टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है। इस शो में सोलो, जोड़ी और ग्रुप्स में डांसर्स आते हैं जो कई सारे अलग अलग डांस स्टाइल लेकर आते हैं। डांस दीवाने का पहला सीजन 2 जून 2018 में कलर टीवी पे टेलीकास्ट किया गया था और इस शो का सेकंड सीजन 15 जून 2019 को टेलीकास्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसका थर्ड सीजन इस साल 27 फरवरी 2021 को टेलीकास्ट किया गया है। इस शो के जज तुषार कालिया, माधुरी दीक्षित और धर्मेश शिलंदे हैं, लेकिन अब माधुरी दीक्षित को रिप्लेस करके नोरा फतेही को इस शो में जज बनाया गया है। डांस दीवाने 3 के होस्ट राघव जुआल थे, लेकिन उनको कोविड होने के कारण उन्हें रिप्लेस करके भारती सिंह और हर्ष को लाया गया है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि इस शो के होस्ट और जजेस पर एपिसोड करने के लिए कितनी सैलरी लेते होंगे? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डांस दीवाने सीजन 3 के होस्ट और जजेस की पर एपिसोड सैलरी के बारे में। अगर आप डांस दीवाने 3 शो के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारती सिंह, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस शो की होस्ट भारती सिंह के बारे में। भारती सिंह फेमस कॉमेडियन है। इसके अलावा भारती कई सारे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, जिनमें झलक दिखला जा, नच बलिए 8 और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 9 शामिल हैं। दोस्तों भारती सिंह डांस दीवाने 3 के एक एपिसोड होस्ट करने के लिए 15 लाख रुपए लेती हैं। दोस्तों अगला नाम आता है इस शो के दूसरे होस्ट हर्ष का। दोस्तों हर्ष एक स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनालिटी हैं। इन्होंने कई सारे कॉमेडी शोज लिखे हैं, जिनमें कॉमेडी सर्कस के तानसेन, कॉमेडी नाइट बचाओ और कॉमेडी नाइट लाइव शामिल हैं। इसके अलावा हर्ष ने कई सारी फिल्मों के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं। दोस्तों डांस दीवाने 3 में हर्ष भारती के साथ शो को होस्ट कर रहे हैं। हर्ष इस शो के एक एपिसोड होस्ट करने के लिए लगभग 10 लाख रुपए लेते हैं। तुषार कालिया, दोस्तों अगला नाम आता है इस शो के पहले जज तुषार कालिया का। दोस्तों तुषार कालिया बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस कोरियोग्राफर और डांसर हैं। दोस्तों तुषार डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के सीजन 6 और 7 में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। इसके अलावा तुषार रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 6 और 7 के स्टेज डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तुषार को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ कोरियोग्राफर ब्रेक करण जौहर की फिल्म ए दिले मुश्किल से मिला था। दोस्तों तुषार कालिया डांस दीवाने को सीजन 1 से जज कर रहे हैं और ये डांस दीवाने 3 के एक एपिसोड को जज करने के लिए 30 लाख रुपए लेते हैं। धर्मेश यलंदे, दोस्तों अब नाम आता है इस शो के दूसरे जज धर्मेश का। दोस्तों धर्मेश फेमस कोरियोग्राफर और फिल्म एक्टर हैं। धर्मेश कई सारे डांस रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनमें डांस इंडिया डांस सीजन 2, डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स और डांस के सुपरस्टार भी शामिल हैं। धर्मेश ने फेमस कोरियोग्राफर फराह खान के साथ फिल्म 30 मार खान में एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया है। 2013 में धर्मेश ने बॉलीवुड में डेब्यू रेमो डिसूजा की फिल्म एनीबॉडी कैन डांस से किया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद धर्मेश ने और भी कई सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें ABCD2, बिंगो, नवाबजादे और स्ट्रीट डांसर शामिल हैं। दोस्तों धर्मेश डांस रियलिटी शो डांस प्लस के भी जज रह चुके हैं और इस साल ये डांस दीवाने सीजन 3 को भी जज कर रहे हैं और इस शो के एक एपिसोड जज करने के लिए 25 लाख रुपए लेते हैं। नोरा फतेही, दोस्तों अगला नाम आता है इस शो की तीसरी जज नोरा फतेही का, जो माधुरी दीक्षित की जगह पे इस शो पे जज बनकर आई हैं। दोस्तों नोरा फतेही अच्छी डांसर, मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर और प्रोड्यूसर हैं। दोस्तों नोरा आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक पॉपुलर सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और इनकी डांस के करोड़ों लोग फैंस बन चुके हैं। नोरा ने कई सारी हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया है। दोस्तों नोरा फतेही डांस दीवाने सीजन के एक एपिसोड जज करने के लिए 50 लाख रुपए लेती हैं। तो दोस्तों ये थी डांस दीवाने 3 सीजन के जजेस और होस्ट की सैलरी। दोस्तों आपका डांस दीवाने सीजन 3 में कौन सा जज सबसे ज्यादा फेवरेट है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं।